वेलकम टू मल्टी लैब। वोल्टर टेस्ट एक प्रकार का ईसीजी है जिसमें पेशेंट का जो है 24 घंटे तक लगातार जो है ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि लगातार 24 घंटे तक जो है पेशेंट का जो है हार्ट का जो फंक्शन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसे हार्ट रेट हो गया, हार्ट का रिदम हो गया, कैसे पंप कर रहे, तो सारे चीज़ें जो है 24 घंटे तक लगातार जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है वो 24 घंटे तक लगातार जो है मतलब पेशेंट को जो है होता रहता है। इस टेस्ट को करने के लिए होल्टर मॉनिटरिंग मशीन का यूज किया जाता है। तो जो होल्टर मॉनिटरिंग मशीन होता है, एक छोटा सा पोर्टेबल मोबाइल की तरह एक डिवाइस होता है जिसमें एक माइक्रोचिप, यानी कि जो मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड लगा रहता है उसी प्रकार से इसमें भी एक माइक्रोचिप लगा रहता है। तो वो जो होता है 24 घंटे तक वो मशीन ऑन रहता है और फिर जो है उसमें जो है सारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है पेशेंट का जो है वो उसमें रिकॉर्ड होते रहता है। तो वो जो है ईसीजी की तरह जो है पेशेंट के चेस्ट पे जो है वो इलेक्ट्रोड जो है जो ईसीजी करने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो चेस्ट पे लगा दिया जाता है और फिर उसको जो है उस पोर्टेबल जो मशीन होता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर उस मशीन को जो है पेशेंट जो है अपने साथ जो है रख सकते हैं, जैसे पॉकेट में या कंधे पर लटका के, और वो मशीन जो हमेशा 24 घंटे तक ऑन रहता है और चलते रहता है। और इस टेस्ट को जो है जैसे कि हॉस्पिटल में या लैब में अगर डॉक्टर ने आपको ये जो है ऑन कर दिया, फिर वहाँ पर टाइम नोट कर लिया जाता है, फिर आपको जो है अगले दिन यानी कि 24 घंटे से पहले जो है आपको वहाँ पर आना होता है, या 24 घंटे बाद भी आते हैं तो जो है टेक्नीशियन या डॉक्टर बता देते हैं कि इसको कैसे ऑफ करना है, तो फिर 24 घंटे बाद इसको ऑफ कर देना होता है। फिर जो है आप हॉस्पिटल या लैब में जाएंगे तो वो जो फिर आपको रिमूव कर देगा और उसमें से जो है जो माइक्रोचिप होता है वो निकाल करके फिर कंप्यूटर में लगा करके फिर देखा जाता है कि जो 24 घंटे तक आपका जो हार्ट बीट हो गया, आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी था, जो आपका हार्ट का फंक्शन था वो जो क्या था, कैसा था। यानी कि आपको नॉर्मल इस टेस्ट को करने के लिए जो है कोई भी जो है स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये जो है जैसे आप मशीन जो है आपको चेस्ट पे लगा दिया तो फिर आप उसके बाद जो घर जा सकते हैं और अपना डेली रूटीन का जो भी काम होता है सारा काम कर सकते हैं, जैसे ऑफिस जाना हो गया या खेलना या जो है वर्क एक्सरसाइज करना, तो जो भी काम होता है सोना सारा काम आप कर सकते हैं, लेकिन वो मशीन जो है आपको जो है चेस्ट पे लगा रहेगा और हमेशा वो ऑन रहेगा, उस मशीन वो मशीन ऑन रहेगा। बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये देखने के लिए किया जाता है कि जो पेशेंट का जो हार्ट होता है वो किस टाइम जो है वो ज़्यादा जो है फंक्शन कर रहा है और किस टाइम जो है कम फंक्शन कर रहा है, मतलब किस टाइम जो है पार्टिकुलरली किस टाइम जो है पेशेंट का जो हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या था, सोते टाइम या एक्सरसाइज करते टाइम, या उनका जो जो हार्ट का फंक्शन जो है किस टाइम क्या था। तो बेसिकली ये देखने के लिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है कुछ समय के लिए चेस्ट में दर्द होता है या सांस लेने में दिक्कत होती है या कुछ होता है और बाकी टाइम जो ठीक रहता है, तो बेसिकली इस टेस्ट का करने के लिए यही मकसद होता है कि जब आप जो है जो नॉर्मल ईसीजी हम लोग करते हैं उसको स्टैंडर्ड ईसीजी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है रेस्टिंग कंडीशन में ईसीजी किया जाता है, यानी कि वो एक मिनट का ईसीजी होता है, यानी कि आप जिस टाइम आपको ईसीजी किया जाता है उसी टाइम का जो आपका हार्ट का जो फंक्शन होता है वो रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो होल्टर टेस्ट होता है वो उसमें जो क्या होता है कि 24 घंटे तक जो है वो हार्ट का हमारा फंक्शन रिकॉर्ड होता है। तो इस टेस्ट का जो प्राइस होता है वो लेबोरेटरी वाइज तो चेंज हो सकता है, तो 1500 से 2000 है, और इसका जो है कहीं पर 1000 रुपये भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है या अच्छे जो लैब होते हैं उसमें होता है। यदि नॉर्मल रिपोर्ट आए तो इसका मतलब जो हमारा हार्ट का जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है, हमारा हार्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और यदि जो है एबनॉर्मल है इसका मतलब जो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर है, किसी टाइम ज़्यादा धड़कता है, किसी टाइम जो है कम धड़कता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो यदि आपको जो है ईसीजी के बारे में जानना है, इको के बारे में जानना है, और टीएमटी टेस्ट के बारे में जानना है, और कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के बारे में जानना है, तो मैं वीडियो बनाया हूँ इस पर, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।